नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा में हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दो बार से जो सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के हर्ष यादव, वो किन मुद्दों पर 2023 में चुनावी मैदान में जाएंगे। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाडली बहना योजना और जो सौगातें मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, उससे किस प्रकार की चुनौती उनको मिल सकती है। भाई बहुत बहुत स्वागत है सागर। धन्यवाद। अभी डिबेट आप एक डिबेट हो रही थी, कांग्रेस भी थी भाजपा भी थी जी। लेकिन जब चेहरे की बात आई और ईमानदारी की बात आई तो शायद भारतीय जनता पार्टी उस बारे में कुछ कह नहीं पाई। कांग्रेस ने दमदारी से कहा कि हमारा विधायक ईमानदार है। क्या कहेंगे कि मतलब वर्षों लग जाते हैं और आजकल सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ईमानदार 10 साल की छवि बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कितनी परिश्रम करना पड़ा आपको? देखिए यादव जी, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ये जनता का आशीर्वाद है। मैं तो एक छोटे से किसान परिवार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब हमारे गाँव की तरफ आप जाके देखेंगे तो जब मेरा जन्म हुआ था तब से लेके जब युवावस्था तक रोड नहीं था, कच्चा रोड था, बरसात में आने जाने असुविधा होती थी, शिक्षा की स्थिति थी कि मिडिल स्कूल तक था, तो किसान की पीड़ा, गांव की पीड़ा से मैंने बहुत बचपन से देखा महसूस किया है। और कहीं ना कहीं एक पीड़ा के साथ साथ भाव भी बनता था। जब मेरी उच्च शिक्षा पढ़ाने के लिए मैं बाहर गया, नरसिंहपुर गया, जो सागर रहा, बीना रहा, जोधपुर रहा, जो मैंने देखा तो एक पीड़ा थी और एक भाव भी पैदा होता था कि काश हमारा विधानसभा क्षेत्र भी, हमारा क्षेत्र भी बहुत आगे डेवलप हो, उन्नति करे। मेरे परिवार में सभी लोग शिक्षित थे और करीब करीब सभी अच्छी नौकरियों में थे। परिवार के मुखिया, हमारे पिताजी और सभी लोगों की इच्छा थी कि हम भी किसी सरकारी जॉब करें। मगर छात्र राजनीति की शुरुआत जो हुई तो आज मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। दिशा बदल चुकी थी। जब दिशा बदली तो मैंने सोचा था कि हमारे क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया जनता जनपद अध्यक्ष बनने का, तब से लेकर आज तक मैंने एक ही प्रयास किया है कि हमारे किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, पर्याप्त मात्रा में खाद की उपापूर्ति हो, बीज की आपूर्ति हो। कहीं ना कहीं जो सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है, चाहे जनपद स्तर की अध्यक्ष रहते हुए मैंने देखा और भी पंचायत में जब हमारे सरपंचों लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत इस बात की कि हम खुद कितना अच्छा कर पा रहे हैं, खुद कितना अच्छा हम ढाल पा रहे हैं लोगों के बीच में। तो एक शुरुआत हुई और लोगों का यह जन समर्थन मिलता रहा। अच्छे बुरे दौर भी आए, बहुत सारे कई हादसे भी हुए, मगर उसके बाद भी जनता ने, देवरी हमारी क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और न कहीं इसे इस लायक समझा कि दूसरी बार निर्वाचित करने का अवसर दिया। ये बात जरूर पीड़ा है कि क्षेत्र में बेहद संभावनाएं हैं और आपने खुद महसूस किया होगा देवरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जैसे सिंचाई का रकबा की जो अपन बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बांध बन सकते हैं, बहुत सारे बांध बनने की संभावना है। बिजली की आपूर्ति के लिए बहुत सारी संभावना है, मगर वो 20 सालों में नहीं हुआ है। तो जनता के मन में भी नाराजगी है। जैसे आज हमारे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में टमाटर भी उत्पादन हो रहा है, लहसुन उत्पादन हो रहा है, प्याज उत्पादन हो रहा है, मगर जो रेट मिलना चाहिए, जो महाराष्ट्र में प्याज के रेट मिल जाते हैं वो रेट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लहसुन का उत्पादन जो राजस्थान में रेट मिलता है या नीमच मंदसौर में मिलता है वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि मेहनत तो नहीं कर रहा, उत्पादन की क्वालिटी वही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए काम करने की आवश्यकता मैंने महसूस की और मैंने किसानों को भी जागृत किया इस बात को लेकर कि भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं होना चाहिए। किसान का रेट अच्छा मिलेगा तब मिलेगा जबकि हमारे यहाँ इस टाइप की यूनिट आए या मार्केट अच्छा डेवलप हो। जब 15 महीने की सरकार बनी थी तो मैंने प्रयास किया था कि हमारे यहाँ सब्जी की मंडी अलग से स्थापित हो, अनाज की अलग मंडी बने। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये सब माध्यम हैं।
तो इस माध्यम के माध्यम से मैंने जनता के बीच में जाने की कोशिश भी की और जनता ने भी हर समय जब भी हमने किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है तो आपने खुद ने महसूस किया, आपके चैनल ने मैंने खूब आगे बढ़ाया उस चीज़ को कि हर समय जन समर्थन मिलता था, किसान खड़े होते थे, जिससे पिछले वर्ष में जो है लहसुन का रेट नहीं मिला लोगों को, बेहद कर्ज के बोझ में दबा लोग। यदि उस समय हमारे प्रोसेसिंग यूनिट का कोई सिस्टम होता या मार्केट अच्छा होता या सरकार की पॉलिसी ऐसी होती, जैसे आज महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के किसान प्याज को लेकर आंदोलन करते हैं, उन्होंने मंडी में भेजने की, इस सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही किसानों को, उसकी बजाय कि किसान को रेट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मध्यस्थता की नीतियाँ किसान विरोधी रही हैं। किसी करुणा अवार्ड किसानों की मेहनत की वजह से सरकार को मिलता है, भाई शिवराज सिंह जी ले रहे हैं, बीजेपी सरकार ले रही है, सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई कई मेहनत जिसने की है वो किसान है, किसान ने एक करोड़ किसी करुणा अवार्ड दिलाए, मगर उसके लिए सरकार क्या कर पा रही है। आज जब गेहूँ खरीदी होती है, चना मस खरीदी होती है, मूंग खरीदी होती है, तो जिस तरह से जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है देवरी विधानसभा क्षेत्र से लेकर मध्य प्रदेश का खरीदी संचालकों के द्वारा कितनी गड़बड़ी की जाती है, तो ये सब चीज़ों पे तो काम करने की आवश्यकता है, सरकार ने इस पे काम नहीं किया और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोगों में नाराजगी है आज। मतलब लाडली बहना के माध्यम से जबरदस्त रोज प्रचार हो रहे हैं, अब तो आवास भी देने की बात कर रहे हैं, तो ये लाडली बहना को लेकर माहौल बना रहे हैं, कांग्रेस कैसे निपटेगी? देखिएगा, लाडली बहना की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे। जब हमारे नेता कमलनाथ जी ने एक विजन जनता के बीच में लेके आए, वो वचन लेके, हम लोगों ने घोषणा नहीं की थी, वचन लेके आए कि हम लोग कांग्रेस की सरकार बनने पर 1500 रुपये देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बीजेपी से, किसी नेतृत्व से, मतलब इस सरकार के मुखिया से, कि क्या वजह थी कि अभी तक आपको 18 सालों में लाडली बहना की याद नहीं आई? जब कांग्रेस को याद आई कि 1500 रुपये महीना हम देंगे, तब आपको याद आने लगी। जब कांग्रेस ने बात की कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तब आपने कहा कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। आनन फानन में केंद्र सरकार ने जब कच्चे तेल के रेट प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 6 महीने पहले खत्म हो गए थे, जिससे तीनों कंपनियों को, ऑयल कंपनियों को अरबों का फायदा हुआ 6 महीने में, उस समय 6 महीने पहले रेट कम नहीं किया सरकार ने। अब चूँकि 5 राज्यों में इलेक्शन है, इसलिए केंद्र सरकार को भी 200 रुपये कम करने की जरूरत महसूस होने लगी, शिवराज सिंह जी को भी लाडली बहना याद आ गई, 450 का सिलेंडर भी याद आ गया, मगर उसके पहले क्यों नहीं आया? अभी कि जैसे किसानों के बिल माफ़ करने की बात कर शिवराज जी कह रहे हैं कि हम सितंबर तक के सब बिल माफ़ करते हैं, बिजली बिल, मगर जो सख्ती से वसूली आपने जब आपकी सरकार रही, जब भी आपकी सरकार रही आपने सख्ती से वसूली की, आज भी बहुत सारे किसान आपके बीच में जाते होंगे नेशनल लोक अदालत के नोट्स लेके कि हमारा इतना बिल है, उस समय आपने सुनवाई क्यों नहीं की? अभी भी नोट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो वचन पत्र है उसके वचन के से हटके आपने सोचने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की? कांग्रेस ने वचन दिए, तब आपको याद नहीं लगी कि हमें बिजली बिल माफ़ करने हैं, हमें OBC को भी आरक्षण देना है, हमें महिला आरक्षण भी देना है। कब? जब कांग्रेस ने आगे शुरुआत की। अभी तो आचार संहिता लगने दीजिए, हम लोग देखेंगे कि शिवराज सिंह जी हम लोगों की कितनी करते हैं, मांगे पूरी करते हैं। आज किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, युवा परेशान है, सरकारी शासकीय अधिकारी कर्मचारी परेशान है, पटवारी जो राजस्व विभाग है वो हड़ताल पे, 25 दिन से हड़ताल पे हैं। राजस्व विभाग से संबंधित काम नहीं होते, अन्य काम भी इन लोगों से किए जाते हैं, मगर आज व्यवस्था बिगड़ी हुई है पूरी, सरकार कोई उनको चिंता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे नेता कमलनाथ जी कहते हैं ना कि अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है, स्कूल है मगर शिक्षक नहीं है, सिस्टम बना हुआ है मगर सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आज जो हम लोग कह रहे हैं कि 50% कमीशन वाला मामला है, पहली बार मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने भी ये महसूस किया है, मतवे सरकार जो इंजीनियरिंग करके डिग्री लेके PG करके एस्टीमेट बनाते हैं, DPR तैयार करते हैं, उसको चैलेंज करती है, इंजीनियर बना के देता है कि ये रोड 1 लाख रुपए का बनेगा, और जब टेंडर होता है वो बिलो में चला जाता है 40% बिलो,
मतलब ठेकेदार कहता है कि मैं 1 लाख का काम जो है 60,000 में कर दूंगा, उसके बाद ये प्रॉफिट में जाता है। क्यों? मतलब इंजीनियर टेक्निकल आदमी गलत है कि ठेकेदार सही है, इस पे बात करने की आवश्यकता है। मतलब भ्रष्टाचार का सिस्टम क्या है, इस पे तो बात होना चाहिए। यदि गलत मैं कर रहा हूँ तो आप बोलिए। सवाल ये उठता है कि जो टेक्निकल अधिकारी कहेगा वो गलत है कि ये ठेकेदार सही है, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार में क्या हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात हो, चाहे MPRDC की रोड की बात हो, चाहे RI की रोड इसकी PWD की रोड की बात हो, हर रोडों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। रोड बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, कांग्रेस कितना हथियार बना के चुनाव में ले जाने वाली है, जनता नहीं, हम लोग नहीं बना रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा। आज जनता करा रही है भ्रष्टाचार के मामले में। जनता खुद कहती है, भैया यदि हम तहसील कार्यालय जाते हैं, हम अमुक कार्यालय जाते हैं, तो बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। पहले भ्रष्टाचार नमक बराबर होता था, आज आटे बराबर भ्रष्टाचार हो रहा है, नमक बराबर शिष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार में शामिल कर लिया है इन 28 सालों में। पहली बार मध्यप्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जाने जाने लगा है। इतनी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि आम आदमी कराह जो रहा है। जो पात्र व्यक्ति है जो BPL की पात्रता में आता है, जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है, टूटी झोपड़ी में रहता है, उसका BPL का कार्ड नहीं बनता है। मैं जिसके पास 5,000 रुपये देने के लिए है, उसका BPL कार्ड बन जाता है। हमारे पास सबूत है, चाहे हमारे विधानसभा की बात हो, भारतीय जगह की, दे दूंगा प्रूफ, दे दूंगा आपको। ऐसा क्यों? महिलाओं पे फोकस है, 33% आरक्षण, दूसरी महिला लाडली बहना, माने अगर केंद्र से उठा के देखें तो मध्य प्रदेश तक सिर्फ महिलाओं का वोट हथियाने की जबरदस्त कोशिश की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में हमारे नेता नहीं है, राजीव गांधी जी ने सबसे पहले स्थानीय निकाय पंचायत व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी, बका लगी थी और लागू भी किया था। पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में जब लागू हुई थी गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, तो शुरुआत तो हम लोगों ने की थी। उसके बाद जिन्होंने हम लोगों की केंद्र में सरकार होने पर उस बिल के को फाड़ने का काम किया, आज वो उसकी वकालत कर रहे हैं। वो भी कब के लिए, 5 साल बाद आरक्षण लागू होगा। मच्छू की 2023 का चुनाव, 2024 का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं महिला जो आपने कहा तुरप का इक्का समझ में आ रहा है उनको, कि महिला के आरक्षण के नाम पे हम मध्यप्रदेश में सरकार बना लेंगे, केंद्र में सरकार बना लेंगे। ये उनका देवा स्वप्न है, कहीं ना कहीं देख लें आप, ये कहीं इनको फायदा देने वाला नहीं है। 5 साल बाद की स्थिति क्या बनेगी? अटल जी ने 2026 तक के लिए परिसीमन पर रोक लगा के रखी थी, शायद आपके संज्ञान में होगा, 26 के बाद परिसीमन होगा। अभी जनगणना 21 में होना थी, वो हो नहीं पाई है, जनगणना होगी। 29 के बाद की क्या परिस्थिति बनेगी ये उस पर निर्भर करेगा। और चूंकि वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए वो क्या, और उसका भी कितना विरोध हुआ लोगों ने। ये बात सही है कि महिला आरक्षण के सब समर्थक थे और समर्थन किया, मैं कई मुद्दों पर विरोध किया लोगों ने उस चीज़ का, जातिगत जनगणना। देखिएगा, इकलौते तेरे तो हमारे मध्यप्रदेश के कमलनाथ जी हैं, सिरसा और जिन्होंने सागर जिले की भूमि पर, लाखा बंजर की जमीन पर 27% OBC को आरक्षण देने का काम किया था। जनरल कैटेगरी के वो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बेहद दयनीय स्थिति में रहते हैं, उनको 10% आरक्षण पहला देश में पहला राज्य था मध्यप्रदेश कमलनाथ जी ने दिए थे, ठीक है। और ये बात सही है कि चाहे हरिजन सिंह जी के कार्यकाल के टाइम महाजन कमीशन की बात हो, चाहे मंडल कमीशन की बात हो, हम लोगों हर समय OBC को आरक्षण देने की बात करते रहे। आज हमारे नेता कमलनाथ जी ने भी और राजमा जी ने भी बात की है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, और निश्चित रूप से हम लोग वचनबद्ध में बात शामिल कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी और OBC को 27% आरक्षण की हम लोग और जो उस तरीके से जब सरकार बनने पर उसको मांग पूरी करेंगे। जो
ओपिनियन पोल में पहला ओपिनियन पोल आया जिसमें कांग्रेस सरकार बनती दिखी, लेकिन अभी INS उसका सर्वे आया उसमें 42% वोट जो है भाजपा को मिलता है। तो इससे इतमाद रखते हैं आप? मैं तो जनता के पूर्ण विश्वास करता हूँ, और आप भी जब कभी जाते होंगे चैनल के माध्यम से या सामान्य में, चाहे किसी बस में सफ़र करें या ट्रेन में सफ़र करें या कहीं पब्लिक में बैठें, तो ओपिनियन जो है 98% पब्लिक का मूड जो है बदल चुका है। पब्लिक जो है 18 में भी हम लोगों को जनादेश दिया था, और आज जनता के बीच में इनाज भी नाराजगी भी है कि 18 के में जो सरकार दी थी हमने 5 साल के लिए जनादेश दिया था, क्या जवाब जरूरी था जिनका जनादेश खंडित करने की और कलंक मिला देश को। 2023 के लिए जनता ने मन बना लिया है कि एक बार पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 5 साल के लिए अवसर देंगे, कांग्रेस को वोट कर देंगे, और निश्चित रूप से ओपिनियन पोल क्या बोलते हैं इसमें हम जाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको कमेंट्स करना चाहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारी बात सही है। 2023 में बेहद बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, उनको उम्मीदवार बड़ी लीड से चुनाव में निर्वाचित होकर पहुँचेंगे। उसी की वजह है कि देश के प्रधानमंत्री भी और गृहमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं मणिपुर छोड़ के मध्य प्रदेश की लगातार दौड़ कर रहे हैं, जब उनके केंद्रीय मंत्री स्थायी रूप से सागर भोपाल में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एजेंसियाँ हैं और मध्य प्रदेश की एजेंसियाँ भी इनको बता चुकी हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है। भाई सवाल है कि 15 महीने आप सरकार रहे, आप मिनिस्टर भी रहे, भाजपा आरोप लगा दी कि 15 महीने आप बेहतरी नहीं जा पाए, ये आरोप लगते रहे। देखिए कदम जी, जब आपने चैनल शुरू किया होगा तो एकदम से आपने संभाग किया प्रदेश के चैनल के आपने रेट नहीं बढ़ाऊंगे आपके। हम लोगों को वो व्यवस्था मिली थी 18 में जब पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ था, कमल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 15 साल के वो अधिकारी कर्मचारी जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिपते थे, गलत कामों में लिपते थे, वो कहीं ना कहीं BJP और किसानों का काम करने वाले लोग थे, उनको पटरी पर लाने में अन्य व्यवस्था ठीक करने में जब हम लोग न्यू तैयार कर चुके थे, उसकी इमारत जितनी तैयार मजबूत तैयारी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं 15 महीने के कार्यकाल में बहुत सारे काम हम लोगों ने तैयार कर लिए थे। आपको आपके संज्ञान में होगा जो हमने वचन पत्र लागू किया था, लाए थे 2018 में विधानसभा चुनाव के पूर्व, उसी पर हम चुनाव लड़ा था। 100 दिन में 100 वचन पूरे किए थे जो कहीं कहीं जनता के बीच हमने कही, वो हमारे पास आज साक्ष हैं। आज 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की कितने ये लोग जिले कहें, और विधानसभा के मंदिर में उन्होंने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है, 100 रुपये में 100 रुपये लाभ नहीं किया, जनता आयात करती है, उनका 9,000 रुपये हमारे शादी पहले दिया था, हमने मंदिर पुजारियों का वेतन बढ़ाया था, पुलिसकर्मियों के दिन का अवकाश दिया था। आज जो ओंकार शिक्षक की बात कर रहे हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो राशि हमारी सरकार का था, रामपथ गबन की राशि हमारी थी, जहाँ तक हमारी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 100 वचन हमने पूरे किए थे, वो आज रिकॉर्डेड है, मतलब कहीं किसी चीज़ छपे नहीं है, ये कितनी कुछ भी कहे। सबसे बड़ी बात, पहली बार 15 महीने में लोगों ने एहसास किया था जो मिलावटखोर है, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी थी कमलनाथ जी सरकार ने, और आप याद करें उनके खिलाफ जो शुरुआत हुई थी उसके परिणाम जनता में बहुत अच्छे थे। चंडीगढ़ त्यौहार का मौसम आता था, थोड़ा विस्तारित कर रहा हूँ मैं, त्यौहार का मौसम आता था तो हमारी माता बहनें जब मावा लेने भेजती थी तो बड़ी सशंकित होती थी कि मावा अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मावा कैसे आता था आपको पता है, वो मावा जो है पहली बार जब दिवाली का त्यौहार हुआ था अपने सरकार में, तो महिलाओं ने तारीफ की थी बहुत कंठ से कि पहली बार मावा जो बनना चाहिए जैसा मिलना चाहिए वो मावा मिला था, दूध जैसा मिलना चाहिए वैसा दूध मिला था। कहीं ना कहीं शुद्ध का युद्ध के परिणाम 15 महीने की सरकार में दिखाई देने लगे थे, उसी की परिणति थी कि लोगों में खासतौर से गृहणियों में इतना विश्वास कायम हुआ था। जब कमलनाथ जी ने एक मीडिया के
साथी थे आपके इंदौर में कार्यक्रम में की थी, तो पूरा इंदौर पलक पावड़े बिछा के कमलनाथ जी का स्वागत किया था, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कमलनाथ जी का वो व्यक्तित्व उन्होंने देखा जो कहीं ना कहीं बात काम करने में विश्वास करते हैं, बात करने में विश्वास नहीं करते, मुँह चलाने में विश्वास नहीं करते, कलाकारी की राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। लोगों ने महसूस किया था पहली बार, और कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास भी था कि जो हमारा 16 मार्च से बजट सेशन चलने वाला था, यदि बजट सेशन हो जाता तो परिणाम चाहे विधानसभा का, हमारे विधानसभा के मामले की बात हो, बहुत सारी बांध की श्रृंखला हम लोग को तैयार करके बैठे थे, बहुत सारे हमने रोडों के एस्टीमेट तैयार करके सैंक्शन के लिए हमारे बैठे हुए प्रावधान किए थे, और इससे बड़ा 15,000 मेगावाट का सोलर प्लांट वो आपके साक्षी हैं, अभी उस मीटिंग में थे सागर जिले में, जो जिससे बड़ा मिलता पूरे देश में नहीं वर्ल्ड में, क्योंकि रीवा से बड़ा सोलर प्लांट हम लोग यहाँ लाने वाले थे 2,000 मेगावाट पूरे जिले को मिला के, वो आज कचहरी की टोकरी उठा दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मेरा नहीं था वो रीवा से ही कि वो मंत्रालय हमारा था, हमारे उससे गौरव सागर का बढ़ता, बुंदेलखंड का बढ़ता, लोगों को रोजगार मिलता, और यहाँ की बिजली ऊर्जा से कई संयंत्र चलते, कई मेट्रो चलती, तो इससे इस एक प्रबंध नहीं करना था बीजेपी सरकार, हर्ष यादव से पीड़ा हो सकती है, कांग्रेस से पीड़ा हो सकती है। 1998 में का एक संदर्भ बता रहा है कि जब आपकी सरकार थी उस वक्त मध्यप्रदेश की सरकार ने डॉक्टर हरि सिंह गौर में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा था, कैसे 2003 में भाजपा की सरकार है तो शेजवाल जी मंत्री थे गुजरात की, उन्होंने उसको कचहरी की जनता की सरकार थी, हमने एक हमारे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रोड था पोतरदार से ब्लैक की मार्ग, जिससे नंदी देवरी और देवरी महारोड कहलाता है, उसकी दूरी बहुत कम हो जाती है, सीधा जाने की रास्ता था, लोगों का समय भी बचता, पैसा भी बचता, वो रोड हमने सेंक्शन कराया था पहली बार, फाइव स्टार की क्लियरेंस थी, सब कुछ वो हो गई थी, मगर आज हालत ये है तो अड़ंगा डाल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वो रोड पूरा करने का निर्णय दिया जा रहा है। एक हमारे मुआर से जिली जमुनिया रोड है, टेंडर लग गया है, सब कुछ हो गया, हमारा इसलिए नहीं बन पा रहा है तो उसका श्रेय हर्ष यादव को। एक रोड महत्वपूर्ण हमारा रोड है तेंदुपड़ा से सैदपुर रोड, बन चुका था पेड़ उखड़ गया, फाइस्ट के नाम पर 2-3 साल लटकाए रखे, अब जाके टेंडर हो गया है, मान काम शुरू नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी विकास की जो सौगातें हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, मात्र इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं, ये श्रेय हर्ष यादव को क्यों मिलेगा? भाई जो काम करेगा उसको श्रेय मिलेगा, जो काम नहीं करेगा मात्र नौटंकी करेगा उसको श्रेय कैसे मिलेगा? मतलब 24 24 भाजपा के प्रत्याशी बिल्कुल सजे सवरे सूट बूट पहने किसको टिकट मिल जाए, मैंने सभी तैयार हैं और सिंगल आप हो, क्षेत्र में चर्चा भी है कोई उनकी तरफ 24 और आप सिंगल खड़े हो, हमारे साथ जनता है इस पर है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सबसे बड़ा जो है हमारी जनता का विश्वास माता देवी जनता का आशीर्वाद हमारे लिए शुरू से मिला है, और विश्वास है कि जनता का विश्वास बना जाएगा। इसमें कमलनाथ आ रहे हैं और हर्ष यादव दोनों बिल्कुल तैयारी से, ये बात सही है कि 2023 जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो बात है बीजेपी कहती है वो साकार होने वाला है कमलनाथ जी के नेतृत्व 2023 से 28 का कार्यकाल निश्चित रूप से स्वर्णिम होगा, ऐतिहासिक होगा, और देश देखेगा कि मध्य प्रदेश की स्थितियाँ जो बदली, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा, ये बात सही है। मतलब 23 में देवरी को एक मंत्री भी मिलने वाला है, इस तरह इस बार जाने और हमारे नेता निर्णय जाएंगे, जनता निर्णय देगी, और आप पूरी सबकी दुआएँ हैं, हमें तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कि काम करने की जाऊँगा, मैंने कभी बताया कि आपको माना है कि हर से ज़्यादा बड़े काम करता हूँ, और हर से ज़्यादा बन के ही रहना चाहता हूँ, हर से ज़्यादा मुझे मजा है, उतना मजा है कोई ना मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये हर्ष यादव जी थे, और हमने कहा कि जनता यानी देवरी की जनता को एक मंत्री मिलने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम तो
ना विधायक बनना चाहते हैं, ना हम मंत्री बनना चाहते हैं, हम तो जनता के बीच में उनके हर्ष यादव बनना चाहते हैं। तो लिहाजा 2023 का संक्रांत हो गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवरी में कई दावेदार, कई प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सिंगल प्रत्याशी हैं और यही दावेदार हैं और इन्हें ही टिकट मिलेगा, जिनका नाम हर्ष यादव है। हम गोपालदास नीरज की लाइनें हैं कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। शायद कांग्रेस की तरफ से सियासत कहीं सफर आसान होने वाला है, क्योंकि उनके पास कुछ सामान नहीं, सिंगल प्रत्याशी है, लेकिन एक ट्रेन में 24 लोग सवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी देवरी से राहत मुश्किल। ब्रह्मदत्त अनुराग विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, देवरी। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम, पता याद रखें, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।